minds of this country and showcase my movie and start my journey, what sir said. And this lady had given me a lot in those 6 months. I said, I'm not studying, but I've heard all the professors what they tried to tell in the classes. And whatever was required here for this acting the booth or any film project, I had noted that much only. What sir says to the DGP 4, there was an officer from the first day who used to say, okay, I'm not here for placement. Thank you guys for being a wonderful audience. We have arranged a little refreshment for all of you outside. बहुत खुल जाएगा, बहुत खुल जाएगा ये. काम आएगा. किधर देखें, किधर से ऑर्डर बता दिया तो महंगा लगा. लेफ्ट टू राइट. किधर देखें, लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. इधर से खेलते हैं, इधर से शुरू होएगा सर. एक 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 सेकंड, हमारा पोस्टर है प्लीज, पोस्टर प्लीज. सबको बहुत प्यार मिलना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे. मतलब आप लोगों का जो काम, बहुत एक्टिंग का बहुत जो नाम ही है जो कॉमिक है, जिन लोगों के दिल में एक लगता है हंसी में स्माइल आता है. तो नाम ही देखकर हंसी है तो कॉमेडी पिक्चर ही लग रहा है. किस तरह किरदार है, क्या करेक्टर निभा रहे हैं, बताएंगे दोस्तों. हाँ, इसमें मैं खुलकर तो नहीं बोल सकती, बट इस फिल्म में एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर जिसके सर पर एक्टिंग का भूत चढ़ जाता है और वो फिर उसके बाद किन किन सर्कमस्टांसेस से गुजरती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है, ये आप फिल्म देखोगे तो पता चल जाएगा. बट अब उसका एंड में वो बनती है एक्ट्रेस की नहीं बनती है, ये आप फिल्म देखोगे तो आपको पता. लेकिन मैं पूरी स्टोरी बोलूँगी अभी डायरेक्टर मुझे नहीं बता. शॉर्टकट में कुछ? हाँ, एक ऐसी लड़की है जो बहुत पैशनेट है एक्टिंग को लेके और उसकी दो तीन शेड्स हैं इस फिल्म में. जैसे कि पहले वो गाँव में होती है, फिर वो कैसे चेंजेस उसके साथ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और फिर वो कहाँ उसको लीड करके ले जाती है, तो जब आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा. बट अच्छा कैरेक्टर है मेरा ओवरऑल. सबसे अच्छा कहाँ, कौन से सीन में आपको मज़ा आया सीन करते हुए? सबसे ज़्यादा जैसे तो मुझे सारे सीन पसंद थे इस फिल्म के, बट हाँ मुझे मेरे जो दिल के करीब थे वो जो इसमें जब वो अपने फादर मदर के साथ होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद आए, बिकॉज शायद मेरे दिल के ज़्यादा करीब थे. आपने इससे भी पहले एक मूवी कर रखे थे, मोस्ट कॉमन गबन का करेक्टर था इसमें. मतलब किस टाइप, इसमें गबन थे, इसमें कॉमेडी करते, कितना डिफिकल्ट रहा आपको? मतलब वहाँ गबन करते हुए यहाँ कॉमेडी करते, कितना डिफिकल्ट रहा आपको? उसमें मैंने हाँ थोड़ा दबंग लड़की का करेक्टर किया था जो थोड़ा टॉमबॉय टाइप है और बहुत बिंदास होती है और सबसे लड़ भिड़ जाती है, बट इसमें टोटली डिफरेंट है. तो ठीक है, एक्टर का काम होता है अलग अलग शेड्स प्ले करना. मुझे मज़ा आया दोनों करने में और मैं चाहूँगी मुझे और डिफरेंट डिफरेंट मिलता रहे. ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का करती रहूँ, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ नया मिले करने को ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ. अच्छी बात है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम उनसे पूछा, सोशल मीडिया बहुत अच्छा आजकल जमाना है, रील का जमाना है. हाँ जी. तो आपने उसमें डांस किए होंगे या कुछ ऐसा वक्त है जो
आप बता सकते हैं या रील बना सकते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं आपको गाने के लिए, कोई से गाना जो आपको सुना दिख रहे हैं? मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ कुछ बता सकते बट मेरे हमारे अपनी फिल्म के गाने हैं ना, उस पर बनाई ना मन मर्जी है। अभी हमारी सिंगर यहाँ पर हैं, मैं काफी वायरल हूँ। हाँ बट आप गा सकते हो इन हवाओं में मैं उड़ती फिरूं, उस पे बनाइए ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि ताकि हम दर्शक जो जिनको नहीं पता है, जिनको पता वो कर ही रहा है, जिनको नहीं पता है वो करेंगे, इसलिए मैं आपको रील जानना चाहता हूँ। तो आप इस जो मेरी मेरा सोलो सॉन्ग है इसमें उस पे आप रील बना सकते हैं। और मैं सिंगर अच्छी नहीं हूँ तो मैं गा के नहीं बता सकती। आप गाओगे आप सब लोग भाग जाओगे कैमरा छोड़ के। आपका नाम जब फर्स्ट टाइम आपको बताया गया था, किस तरह के आपको दिल में लगा कि एक्टिंग का बूट कैसे आप रिएक्शन के साथ आपका रिएक्शन 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 मतलब ऐसा कुछ शॉकिंग नहीं था, बिकॉज एक्टिंग का बूट तो आप सब पर भी होगा, आप लोग भी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो एक्टिंग करते हो ना, तो सब लोग एक्टिंग करते हैं, तो मुझे भी लगा कि कुछ डिफरेंट है प्ले करने के लिए, कि हम जो आम लाइफ में देखते हैं कि हमारे सर पे एक्टिंग का बूट चढ़ता है, हम रियल लाइफ में कई लोग बन पाते हैं एक्टर, कई लोग रियल लाइफ में ही एक्टिंग करते हैं, तो मैं अच्छा बॉन्डिंग के साथ इसमें सबसे अच्छा रहा आपका, किसके साथ कभी सेट पर टूटू मैं हुआ या कुछ भी हो घटना हो सकती है? सशांत सिंह डायरेक्टर में मतलब सेकंड पिक्चर है, कैसा बॉन्डिंग है डायरेक्शन आपको? शशांक जी के साथ, हाँ शशांक के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं और बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, क्योंकि उनको काम के टाइम सिर्फ काम चाहिए, और वो अपने कैरेक्टर्स के साथ में हमेशा चाहते हैं कि वो जस्टिफाई करें अपना रोल, तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग हमेशा से अच्छी थी। और मेरा सेट पर किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, मैं झगड़ा नहीं करती किसी से सेट पर, गुस्सा भी नहीं करती, हमारे मतलब जितने भी लोग हैं सब टीम वर्क है, सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं हमेशा। कभी होता घटना होता है सेट पर, कभी लेट पहुँचा हो, कभी स्क्रिप्ट पुराने हो, तो कभी डांट भी देते हैं जो गुरु होता है वो डायरेक्टर होता है, या गुरु कुछ ऐसा कुछ घटना सेट बता सके? नहीं ऐसे तो मैं सेट पर लेट नहीं होती मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करती जिसके लिए मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट हाँ कभी होता है तो मुझे खुद को बुरा लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ या मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी कुछ ऐसा स्पेशली टाइम को लेकर के अपने टाइम पर पहुँचना पसंद करती हूँ। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ऑडियंस जो पिक्चर आ रही 15 अगस्त से? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक्टिंग का भूत हम सब ने बहुत मेहनत से इसमें अपनी जान डाल के काम किया है, हम सब ने क्या पूरी टीम ने, जो भी 250-250 लोगों की टीम होती है सब ने बहुत मेहनत की है, चाहे हमारे वो स्पॉट दादा हो, चाहे हमारे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे हमारे राइटर हो, चाहे हमारे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर, सब ने बहुत दिलो जान से काम किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि प्लीज़ 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 आइए और हम सबको सपोर्ट कीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। कभी रिलीज होगी? 25 अगस्त को आइए, आप सब लोग सिनेमा हॉल में मिलते हैं। क्या बात है, आपकी ड्रेस लुकिंग बहुत अच्छी लगी, ड्रेस के बारे में बताइए, बहुत अच्छी लग रही है। ड्रेस के बारे में भी बताऊँ, ड्रेस मैं कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करती, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ, मेरा कुछ ऐसा पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, मुझे मिक्स मैच करके पहनना पसंद है, कभी किसी का स्कर्ट पहन लिया उससे मैच कर लिया, मतलब मुझे कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेरा स्टाइल नहीं है, बट जो भी है मतलब मुझे जो वार्डरोब में दिखता है जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं पहन लेती हूँ। थैंक यू सो मच। तो सर हम पूछ रहे थे एक्टिंग का भूत पिक्चर है, बेसिकली क्या है एक्टिंग का भूत, मतलब भूत है या आदमी के अंदर एक्टिंग का कीड़ा मतलब भूत है? बिल्कुल वही जैसा आपने समझा, एक्टिंग का भूत जो हर मतलब मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों में एक्टिंग का जो पैशन होता है जो कीड़ा कहते हैं हम उसको कह रहे हैं एक्टिंग का भूत, तो ये लड़का है उसको एक्टिंग का भूत उसके अंदर होता है और उसी के अराउंड उसकी कहानी कि उसकी लाइफ में क्या क्या कैसा आता है, कैसे मोड़ आते हैं, कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है अपसाइड डाउन, वो उस फिल्म की कहानी है। कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हैं, क्या है इसमें, क्या बहुत डिटेल्स बताना सही नहीं होगा, लेकिन कैरेक्टर है ये आउट एंड आउट लूज़र है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाए है और ख़ानदानी लूज़र है, समझ रहे हैं, तो लखनऊ बेस्ड कहानी है तो उसका एक बहुत फन लविंग उसका क्वेश्चन कैरेक्टर का बाहर आता है, ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करने के बाद भी उसके अंदर आग होती, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है,
और उसी कुछ अचीव करने के क्रम में उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है, उसकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। बहुत लाइटर स्पेस में फिल्म है, मतलब बहुत एंटरटेनिंग फिल्म, देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये अपील है उसका, मतलब कोई भी इंटेंस और बहुत ज़्यादा बैगेज या बोझल नहीं करती है फिल्म, आपको एक प्योर और क्लीन एंटरटेनमेंट देती है। जो नाम है भाई डिफरेंट एक्टिंग का, पूछ नाम सब्जेक्ट कैसे आप लोगों के दिमाग में, किस तरह का नाम रखेंगे? ये हमारे राइटर हैं अभिषेक जी उन्होंने सोचा था नाम एक्टिंग का भूत, हमारे डायरेक्टर शशांक जी हैं उनको टाइटल अच्छा लगा, और मुझे भी लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो उसकी कहानी, क्योंकि इसका जो थीम है ना, एक बेसिकली वो एक्टिंग करना चाहता था कर नहीं पाया, ही फेल्ड एज एन एक्टर, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन उसकी लाइफ में कैसे निकलता है, उसी क्रम में उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है जिससे चीज़ें, जो पूरी कहानी का कॉन्फ्लिक्ट है, और आप सामने आइए, आपसे बात करने मेरे को ऐसा लगता है घूम जाना पड़ता है मुझे, तो वो उस फिल्म की कहानी है ना। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? यही पूछेंगे तो मैं पूछा सर, ये शूट जो हुआ कहाँ शूट है, कितने दिन शूट हुआ, कैसा रहा बॉन्डिंग आपको सेट में, शेयर करेंगे आप? सेट पे एक पूरी फैमिली की तरह बॉन्डिंग होती है। इनफैक्ट फिल्म में अगर आप देखें तो जब भी हम एक काम करते हैं, यूनिट एक फैमिली की तरह काम करते हैं, जो हमारा डायरेक्टर होता है, कैप्टन शिप होता है, हम सब एक गोल को पाने के लिए सब जी जान से मेहनत करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी हर प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, और अच्छे लोग मिल जाते हैं तो और भी मज़ा आता है, तो सब मिल के हमने एक फैमिली की तरह अच्छे से काम किया है, दिलो जान से काम किया है, प्यार से पैशन से काम किया है, तो बहुत मज़ा आया। और लखनऊ में शूट की हमने ये फिल्म, पूरी फिल्म लखनऊ और यूपी के अराउंड, मतलब पूरी लखनऊ के अराउंड फिल्म शूट की, कहानी ही लखनऊ की, ये लड़का है लखनऊ का, लखनऊ में ही उसकी पूरी ज़िंदगी मुंबई से वापस जाने के बाद कटी है, तो बाकी रिवील कर दूंगा फिल्म की कहानी, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। कितने दिन में शूट हुआ, कुछ वाकई आप शेयर करना चाहे सेट शूट के द्वारा? दिन में आप ऑडिट कर रहे हैं क्या? कितने दिन में शूट किया, बहुत वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा कितने दिन में कैसे शूट किया, बट ये कह सकता हूँ कि बहुत फिल्म की जो भी, उसको न्याय करने के लिए जो भी करने की ज़रूरत थी हमने उस लिहाज से काम किया, और बहुत दिलो जान से जिस फिल्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करते गए, और जब तक सेटिस्फाइड नहीं हुए हम काम करते रहे, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और हम लगभग 2 महीने लखनऊ में थे। कोई सीन ऐसे जो आप यादगार बन गए हो, जो आप शेयर करना चाहोगे दौरान, कुछ वैसा कुछ बात है? हाँ, पहला ही सीन है उसमें एक थप्पड़ मारता है, दोस्त है मेरा उसको लग गई थी, हालांकि कॉमिक जोन में ही था, वो भी बहुत फोर्थ कमिंग था कि नहीं, वो थिएटर का एक सीक्वेंस है, अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो उसमें वो थप्पड़ मारता है, कुछ बातें तो बहुत हिलेरियस स्पेस में वो सीन भी था, तो हमने बार बार रीशूट करना पड़ा, और पूरे ऑडिटोरियम में हम शूट कर रहे थे थिएटर में, तो वो बहुत एंटरटेनिंग सीन था, मज़ा आएगा। इसमें कोई गाना भी हो जो गाने आप बता सकते, कोई गाने के बताइए क्या क्या बताऊँ, जो आपकी केमिस्ट्री रही वो आर्टिस्ट हैं रजनी जी, हाँ उनके बारे में कैसे रही, मतलब केमिस्ट्री? जब एक्टर्स काम करते हैं तो हर कोई अपने किरदार को जी रहा होता है, उसको न्याय करना चाहता है, तो उसमें जो भी आपके साथ सीन में होते हैं, हीरोइन हो, आपके फ्रेंड्स हो, इनफैक्ट जो नेगेटिव प्ले कर रहे होते, जो विलन हो, उनके साथ भी एक केमिस्ट्री होती है, क्योंकि हर कोई अपने वांट, यू नो, जो लाइफ में अचीव करना चाहता है उसके तहत चल रहा हो, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है, और अगर अच्छे एक्टर्स होते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, तो बहुत अच्छा रहा रजनी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा काम करके, और लोगों को पसंद भी आ रहा है, स्क्रीन पे देख के हमारी केमिस्ट्री पसंद आ रही है, और जो हमारे साथ सत्या हैं, इश्तियाक भाई हैं, जो पूरी फिल्म में है, उनके साथ एक अलग तरह की बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो लिलीपुट जी के साथ जो एंटैगनिस्ट हैं फिर भी काम करके बहुत मज़ा आया। वही होता है जब एक एक्टर अपने क्राफ्ट के थ्रू एक कैरेक्टर को जी रहा होता है तो सब अपने बॉन्ड के साथ चलते हैं, जो जिस तरह से आता है उस तरह से यू नो केमिस्ट्री बनती है, किसी के साथ लड़ाई का, किसी का मोहब्बत का, किसी का दोस्ती का। सर सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, रील के जमाना है, इसमें भी ऐसे कुछ है कि जैसे हम रील बनाते हैं आजकल? आप बड़े अंदर के सवाल कर रहे हैं, सब अभी बता देंगे, आप थिएटर में आ रहे नहीं आ रहे? इसलिए आपसे कॉल करके सीन पूछूंगा, 30 नंबर का कौन था, 5वें का कौन था, कुछ ऐसा गाने हैं जिसमें हम रील बना सके? अरे अच्छा, वैसे इसी में पूछ रहा हूँ आपसे, मनमर्जियाँ सॉन्ग बहुत बेहतरीन है, और रजनी जी के ऊपर फिल्माया हुआ एक सॉन्ग मैं मस्त मगन, वही बहुत बढ़िया सीन है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। इनफैक्ट एक और गाने काशी जी ने बहुत कमाल का म्यूज़िक दिया, इनफैक्ट चारों गाने अगर आप सुने तो बहुत बहुत बढ़िया गाने हैं,
फन लविंग स्पेस में है, मनमर्जी या रोमांटिक सॉन्ग है, और एक थोड़ा जो ट्रेजेडी लाइफ में उसके स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसका एक अलग थीम है। तो हर तरह के गाने और बहुत मनाली जिया हैं, उनसे मिलेंगे आप, बहुत बढ़िया गाया उन्होंने, भूमि त्रिवेदी हैं और राहुल जी। स्टार कास्ट है इस फिल्म में, आपको क्या लगता है कि किसके अंदर एक्टिंग का भूत सबसे ज़्यादा? थोड़ा तो आपके अंदर भी है। अच्छा, नहीं आपके अंदर, बहरहाल सबके अंदर। एक्टर बनने के लिए पता है भूत का होना बहुत ज़रूरी, वरना ये फील्ड ऐसी है जब तक बहुत पैशन ना हो करनी नहीं चाहिए। तो जब भूत बहुत हावी होता है तभी लोग मुंबई का रुख करते हैं। तो सारे सबके अंदर भूत खतरनाक वाला है, मेरे अंदर भी। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू सर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी पिक्चर के बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, बल्कि आपके काम का बहुत सारे तारीफ कर रहे हैं कि डॉन बने सर, पहली बार डॉन बने आप, लोग बहुत हंसाए, बहुत कुछ किए। क्या डॉन है, किस प्रकार के डॉन, कुछ करेक्टर के बारे में बताएंगे आप, कैसे डॉन बना आप? ये वैसा डॉन है जो हंसाता भी है और डराता भी है, और इसको पूरा निगेटिव नहीं कहेंगे, इसको ग्रे कलर कहेंगे। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, अच्छा कैरेक्टर है। इसको करने में मज़ा आया और मुझे लगता है कि जैसा टाइटल है एक्टिंग का भूत, तो इससे दिमाग तो जाता है एक्टिंग पे ज़्यादातर ध्यान। कहानी इसकी बड़ी मज़ेदार है, मुझे लगता है कि लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे, इसके कैरेक्टर्स को पसंद करेंगे, क्योंकि ये फुल एंटरटेनमेंट है और आज के यंगस्टर्स की सोच को उजागर करता है। फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिल्म सुनने की नहीं देखने की चीज़ होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग सारे जाके फिल्म देखें, और हमारा जो डायरेक्टर है अपना शशांक बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है, हालांकि बहुत बड़ा है। फिल्म एक्चुअली डायरेक्टर की होती है, और जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, आपको फिल्म देखने के बाद डायरेक्टर के लिए अच्छे विचार आएंगे, आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आएगी। बहुत कोशिश किया है, फिल्म मेकिंग जो है वो एक ईमानदारी का काम है, और शशांक ने बहुत ईमानदारी से काम किया है, हम सारे एक्टर्स ने उनका साथ दिया है, हम सारों की मेहनत है। अब आपके सामने आएगी, आप उसे देखिएगा, उसे सराहिएगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा बस। थैंक यू। अच्छा, इस फिल्म में जो कैरेक्टर है आपका, वो दद्दा से कितना अलग है? दद्दा से तो बहुत ज़्यादा अलग है, दद्दा तो ग्रे नहीं है, दद्दा सीधा बिल्कुल निगेटिव कैरेक्टर है, ये उतना निगेटिव नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे है, कहीं सॉफ्ट भी है, कहीं टफ भी है। दद्दा से बहुत ही अलग है, दद्दा से इसका कोई मेल जोल नहीं है। और मिर्ज़ापुर की अगली सीरीज कब आने वाली है? अरे, इस सेट पे तो जनवरी में आएगी। थैंक यू सर। सोशल मीडिया पे और आप लोगों को मतलब है ना कि अभी से ट्रेंड हो रहा है, 25 तारीख रिलीज हो रहा है, अभी से ट्रेंड हो रहा है, कितना एक्साइटमेंट है आप लोग, क्या स्टोरी के बारे में, क्या कैरेक्टर है आपके? मेरा कैरेक्टर ये है कि मस्ती में रहता है। ट्रैक ये है कि मेरा जो दोस्त है उसको एक्टिंग का शौक़ है, वो कई प्रकार की स्कीमें ले लेके आता है हमारे पास, हम भी उसको सजेशन देते हैं कि भाई ये ऐसे से ऐसा कर लो या ऐसा मत करो। तो उसमें विरोधाभास होता है, कभी रूठता है अपने दोस्त से, कभी मनाता है, कभी सहयोग करता है। तो एक होता है जैसे एक आम जीवन में एक दोस्त होता है, जो दोस्त के हर अहम जो उसका निर्णय होता है
उस पर वो शामिल होता है, चाहे वो गलत हो या सही, तो वैसा मेरा कैरेक्टर है। और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही अच्छे अंदाज में मेरे कैरेक्टर को डिज़ाइन किया है अभिषेक, जो इधर के इस फिल्म के राइटर हैं। उन्होंने ऐसा ताना माना बुना है फिल्म का कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये बात सीरियस है, लेकिन मज़ा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। थोड़ी गुदगुदी होगी, फिर थोड़ा सोचने में मजबूर होंगे कि क्या हो रहा है यार, ये तो सही बात चल रही है। तो ये सब है। शशांक जी के बारे में बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा गायक किए, आपके साथ कैसे रहा आपका बॉन्डिंग? शशांक जी का ऐसा है कि शशांक जी डायरेक्ट दोस्त बन के करते हैं, कि आपको पता नहीं चलता है कि एक डायरेक्टर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपस में बातें कर लेते हैं, घुल मेल तालमेल इतना एक बना लेते हैं एक्टर के साथ कि आपको ये महसूस नहीं होता कि कोई डायरेक्टर आपको समझा रहा है, आपको लगता है कोई दोस्ती है जो बोल रहा है ये बात। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि एक्टर जो है बहुत ही संवेदनशील होता है, उसको बहुत ही प्यार से हैंडल करना चाहिए, जैसे बच्चों को करते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर मुझे कोई ऐसा डायरेक्टर मिलता है तो मैं मुझसे बहुत अच्छा काम होता है और मुझे मज़ा आता है। थैंक यू सर। आखिर में क्या बोलना चाहते हैं, 25 तारीख को बहुत जल्दी होने वाले हैं। मैं तो एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो इसमें अहम का किरदार जो कर रहे हैं वो अपने काम को लेके इतने ज़्यादा सीरियस रहते हैं, इतने ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि हमें भी लगता रहा कभी कभी कि यार हो गया, बहुत हो गया। फिर एक समय के बाद लगा नहीं यार, इंसान अगर करना चाह रहा है तो चलो करते हैं इसके साथ। और एक जैसे मेरा काम करने का तरीका है कि मैं मस्ती से अपने किरदार को निभाते हुए काम कर लेता हूँ, लेकिन अहम का क्या है कि वो थोड़ा सीरियसली चीज़ों को लेता है और फिर उसके बाद डिज़ाइन करता है कि चलो अगर कॉमेडी भी करना है तो उसमें भी सीरियसनेस दिखाता है कि नहीं भाई ऐसे से ऐसा करना है। तो दोनों का जो सम्मेलन हुआ तो वो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक व्यक्ति उसका अंदाज़ ये है, हमारा अंदाज़ ये है, चलो दोनों का अंदाज़ मिला के देखते हैं क्या होता है। बस थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाया, चिट्ठी बजाया, लखनऊ की पूरी स्टोरी क्या बोला जाता, कितने रिएक्शन मिल रहा है? ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है, और हमारा जितना मेहनत था वो पूरा कंप्लीट हुआ, और हमें खुशी हो रहा है कि लाइक लोगों को इतना पसंद आ रहा है ये फिल्म। और बहुत सारे पिक्चर बनते हैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कैसे आप लोगों ने सोचा कि इस तरह से बनाने चाहिए कुछ हटके? देखिए जी, ये तो नाम जो एक्टिंग का भूत है, ये भूत आजकल सोशल मीडिया के जरिए, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, हर पर सारे के सर में चढ़ा हुआ है, वो रील बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। और नॉर्मल जिंदगी के अंदर भी हम देखते हैं कि लोग ना अपनी रियल लाइफ के अंदर कभी रूठे की एक्टिंग करते हैं, कभी किसी को मनाने की एक्टिंग करते हैं, तो एक्टिंग का भूत तो हर एक रिश्ते के अंदर है। तो बस इस कहानी के अंदर दो लोग इस एक्टिंग के भूत के जरिए एक दूसरे करीब आते हैं, और बाद में उनको एहसास होता है कि एक्टिंग का भूत नहीं था, ये सच्चा प्यार था, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है। किस तरह के आप लोग कॉन्सेप्ट जुगल बंदी रहा आप लोगों ने किस तरह के तैयारी करने में? एक्चुअली इसका प्रिपरेशन करने में कम से कम हमें दो साल के मतलब शशि जी ने कम से कम 2 साल लगाए फिल्म को लिखने में, उसके बाद वर्क करने में, प्री प्रोडक्शन कम्प्लीट करने में हमें 1 साल गए, और ये सब काम हुआ कोविड के समय में, और वो अच्छा समय था, अच्छा समय बीता हमारे कोविड के समय। सॉन्ग से सुना मनमर किया, काफ़ी सारे लोग ने रील बनाने भी शुरू कर दिए हैं, रील भी करना शुरू कर दिया, कितना आप लोगों को लगता है प्रॉफिट हो रहा है? काफ़ी अच्छा लगता है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा चलता है तो एक डायरेक्टर को मतलब फिल्म हमेशा एक डायरेक्टर का बच्चा होता है, तो बच्चा अगर अच्छा कर रहा होता है मार्केट में तो खुद को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है, और होप किया और भी अच्छा करे और भी अचीवमेंट। इस फिल्म के नाम की तरह इस फिल्म का भूत भी ना लोगों के सर पर धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, और मनमर्जिया के सॉन्ग ने इस चीज़ साबित की है। इतनी सारी रील्स मुझे लोग शेयर करते हैं कि मैं आपको बताएं जब कितना खुश हूँ अंदर से इस फिल्म को लेकर। कब रिलीज हो रहा है, क्या मैसेज देना मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार फिल्में हैं ना रियलिस्टिक कमर्शियल होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का ट्रेंड हुआ है रियलिस्टिक कमर्शियल फिल्मों का। ओके, और अच्छा भी है, इसी बहाने काफ़ी रियल ग्राउंड्स पे जाके हम वर्कआउट कर पाते हैं फिल्मों को लेके, और ये वहीं से, और मैं खुद बिलोंग करता हूँ बिहार से, और मैं भी खुद के रूट से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ तक हम बिहार की बात है, यूपी की बात है,
ऑलमोस्ट सबका वैसा ही रूट्स रहा है, और जहाँ से कहते हैं ना फिल्म आपका इंस्पिरेशन हमेशा वहाँ से होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपको 25 तारीख को आप डिलीवरी हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप ऑडियंस को, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 25 तारीख को प्रीमियर थिएटर में जाके इस फिल्म को देखा जाए और लोगों को बताएं कि और भी लोग देखें इस फिल्म को, और मैं चाहूँगा ये फुल्ली इंटरटेनमेंट, फुल्ली लव हार्टेड फिल्म है और काफ़ी अच्छा करें। जितना प्यार सोशल मीडिया पे मिल रहा है उतना ही प्यार थिएटर्स में आकर के हमें दें, बस इतना ही आपसे कहेंगे। थैंक यू। और आप दोनों को शुरू ले, काफ़ी लोगों को पसंद कर रहे हैं मनाली, और पिक्चर से जो है किस तरह की आप लोगों की इतना उम्मीद है कि प्यार मिलेंगे और फिर ट्रेंड करने लगे सोशल मीडिया पे, क्या बोला है पिक्चर पर? वेल, हम लोग कोशिश तो कर रहे थे शुरू से ही, क्योंकि जब से ही हम लोगों को जैसे ही हम लोगों को स्क्रिप्ट और सिचुएशन मिली थी, हम लोगों ने तभी से डिसाइड कर लिया था कि इसमें बहुत अच्छा काम करना है और सारी ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, ऐसा काम करना है। आप बताइए सर। मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम काशी कश्यप है और इस फिल्म का म्यूज़िक देने के लिए हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि डायरेक्टर इतने म्यूज़िकल मिले हमें, उन्होंने बोला आपको जो मन करे जैसा मन करे हम सिचुएशन देते आप बनाइए, और हमने बस उनके गाने बनाए और सबको अच्छा भी लग रहा है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इसको बहुत बहुत आप सुनें और इस म्यूज़िक को जितना भी हो सके अपना प्यार। मान लीजिए आखिरी सवाल आपसे, आप इतने खूबसूरत हो, जो डायरेक्टर आपको अपोज नहीं किया एक्टिंग करने के पिक्चर में? नहीं नहीं, अभी तो नहीं किया है, लेकिन देखिए अभी तो एक्चुअली फोकस कम्प्लीटली सिंगिंग पर ही है, आगे देखते हैं जहाँ मंजिल ले जाए वहाँ चले चलेंगे, आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर करेंगे। आप जो भी गाना गाते हैं ट्रेनिंग करने ले जाता है, क्या मैजिक क्या जादू ग्लैन गाकर सुनाएंगे आप? बिल्कुल, रील काफ़ी वायरल हो रहा है, आपने इतना मस्त गाया। हाँ जी, हम थोड़ा सा मुखड़ा गा लेते हैं साथ में, है ना? जो दिल चाहे दे दे सजा तू मुझे, तेरे मुस्कुराने की वजह मैं बनूं दर्द-ए-दर्द। जो दिल चाहे दे दे सजा तू मुझे, तेरे रूठने का डर लगता मुझे, तेरे मुस्कुराने की वजह मैं बनूं, बस इतना सा हक दे दे मुझे, बन जा मेरी रे माया, तू बन जा मेरी माया, तू मान ले अर्जियां अर्जियां, तू मान ले अर्जियां। सर बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म कमाल की फिल्म बनी है और दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें भरपूर कॉमेडी है और दूसरी चीज़ है मैसेज भी है इसमें। क्या है कैरेक्टर आप लोग दोनों इस तरह से बताइए, आप क्या प्ले कर रहे हो और आप क्या प्ले कर रहे हो? मैंने इसमें कैरेक्टर किया है जिसका नाम संजू है, जो कि लीड एक्टर है, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। और आप? मेरा नाम है इसमें चित्रा का कैरेक्टर है, जो इसमें मैं सस्पेंडेड पुलिस वाली हूं, और जो मैन लीड गीतू है उसकी दोस्त हूं। लाइक करते हो सब या हेल्प करते हो? दुनाई भी करती हूं, थोड़ा घूस भी खाती हूं। तो इस टाइप की कॉमेडी मतलब पिक्चर है आप लोगों का या कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए, फुल मसाला फिल्म है एक्चुअली में, मज़ा आएगा। एक्टिंग का भूत, एक्टिंग का भूत, और एक्टिंग का भूत आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के सर पर चढ़ेगा एक्टिंग का भूत। कब रिलीज कब हो रहा है? 25 अगस्त 2023। थैंक यू सो मच। थैंक यू।